हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। तो बने इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक, हम जानेंगे इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है एंड क्या क्या थ्योरी इसमें होती है। सबसे पहले शुरू करते हैं ओबी से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने इसे दिया था 1819 में। इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरैक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ द इंटरैक्शन अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टूवर्ड इट्स गोल। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आप नाम से भी समझ सकते हैं कि एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप कैसे इंटरैक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कैसे उनका बिहेवियर जो है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, उसे अफेक्ट करेगा, उसे उसके गोल की तरफ लेके जाएगा। बेसिकली उनकी बात की गई यहाँ पे। बात करते हैं इसकी 4 C's के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के 4 C होते हैं। सबसे पहले आती है हमारी कोऑपरेशन, उसके बाद कोलैबोरेशन, कंट्रीब्यूशन एंड कम्युनिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, जिसे हिंदी में महत्व और इम्पोर्टेंस भी कहा जाता है। सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस आती है लीडरशिप में, फिर आती है एम्प्लॉई मोटिवेशन करने में, उसके बाद कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में, फिर आती है एचआरटीडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, फिर आती है जॉब सेटिस्फेक्शन में। ये सारे मैनेजमेंट के बहुत ही बेसिक से वर्ड हैं जिनके यूज मैनेजमेंट में बहुत जगह होता है। होप करता हूँ आप सब लोग इन वर्ड से परिचित होंगे कि ये क्या होती है और इसकी बेसिक मीनिंग क्या होती है। मूविंग ऑन टू इट्स नेक्स्ट एंड द मेजर टॉपिक, दैट इज द थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सबसे पहले थ्योरी की हम बात करें तो वो है हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने दी थी 1909 में। इस थ्योरी के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ फ्रेंड, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है फ्रेंड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, इसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। द ब्यूरोक्रेसी थ्योरी सेंटर्ड अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एज फ्रॉम द नेम फ्रेंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट ब्यूरोक्रेटिक सीन्स द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी दैट इज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इसके 3 प्राइमरी टाइप्स हैं अथॉरिटी के। सबसे पहले आती है हमारी चैरिस्मेटिक अथॉरिटी। चैरिस्मेटिक अथॉरिटी बेसिकली कहती है कि द पावर स्टीम फ्रॉम द लीडर यूनिक अपील और पर्सनल मैग्नेटिज्म। चैरिस्मेटिक लीडर इंस्पायर द फॉलोअर थ्रू देयर विजन, पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू मोटिवेट। चैरिस्मेटिक आप नाम से समझ सकते हैं चैरिस्मेटिक अथॉरिटी, जिसमें आप समझ सकते हैं कि ये कहता है बेसिकली कि इसके जो लीडर्स होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करते हैं अपने विजन के थ्रू, ताकि वो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनकी विजन के थ्रू देखें और उस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी के साथ मोटिवेट हों एंड आगे फॉरवर्डली वर्क करें। बेसिकली इन्हें हम ऐसे कह सकते हैं कि अपने लीडर के चश्मे में से देखना कि क्या विजन है, क्या एबिलिटी और पर्सनैलिटी को कैसे मोटिवेट करके उस और आगे बढ़ा जा सके। सेकेंड आती है हमारी लीगल अथॉरिटी। अन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर ऑफिशियल पोजीशन और रैंक विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। बेसिकली लीगल अथॉरिटी जो पर्सन एक ऑफिशियल पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, एक रैंक को होल्ड कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की में, बेसिकली यहाँ उनकी बात की गई है। थर्ड आती है हमारी ट्रेडिशनल अथॉरिटी। दिस अराइज फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम बिलीफ और हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। जो हमारी पुरानी ख्यालात की अथॉरिटी चलती थी कि हाँ ये पर्सन जो है ये एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, ये जो बिलीव कर रहे हैं चीज़ें वैसे वर्क करेंगी, बेसिकली यहाँ उसकी बात की गई है फ्रेंड। हमारी जो अगली ओबी की थ्योरी है वो है हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ये थ्योरी बेसिकली कहती है कि इट इज़ ए यूनिक ब्लेंड ऑफ सोशल मिशन एंड कॉमर्शियल गोल। अनलाइक ट्रेडिशनल फॉर प्रॉफिट कंपनीज प्रायोरिटाइजिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन सीक टू क्रिएट अ पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट वाइल रिमेनिंग फाइनेंशियली सस्टेनेबल। ये बेसिकली एक ब्लेंड है सोशल मिशन और कमर्शियल गोल का। जैसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट मेकिंग पे चलती है, उनका काम बेसिकली होता है प्रॉफिट जितना हो सके मैक्सिमाइज करना, बट इस थ्योरी का कहना है कि जो ये हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका बेसिकली वर्क है एक पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना, साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल चीज़ों को स्टेबल रखते हुए, सस्टेनेबल रखते हुए।
हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ऑपरेट करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ बिजनेस एंड सोशल पर्पस के साथ। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। बेसिकली आप समझ सकते हैं दो ऑब्जेक्टिव लेके वर्क करती है ये, कि फाइनेंशियली भी सक्सेस हो और सोशल इम्पैक्ट भी रहे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे अगर हम बात करें तो सोशल मिशन। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन ड्रिवल होती है कि उनका एक सोशल और एक इन्वायरमेंटल पर्पस होता है, जिसे ये चाहती है कि अपने फाइनेंशियल चीज़ों को ग्रो करने के साथ साथ इन चीज़ों पर भी फोकस करें। तो इनका बेसिकली एक सोशल मिशन भी होता है जिस पे ये साथ साथ वर्क करती है। थर्ड आती है हमारी इनोवेटिव बिजनेस मॉडल। ये बेसिकली कहती है कि हाइब्रिड ऑफन एडॉप्ट इनोवेटिव बिजनेस मॉडल दैट इंटीग्रेट सोशल इम्पैक्ट टू देयर कोर ऑपरेटिव। बहुत सारे आज के टाइम पे बिजनेस मॉडल चल रहे हैं जो बहुत इनोवेशन तरीके से, इनोवेटिव तरीके से काम कर रहे हैं। हाइब्रिड बेसिकली उन चीज़ों को एडॉप्ट करता है और उस हिसाब से वर्क करता है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो सोशली पड़े और उनके ऑपरेशंस पे भी ये हेल्प करें। हमारी जो अगली ओबी की थ्योरी है वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। कई बार आपने ये ऑब्जर्व नहीं किया होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के एक वर्क प्लेस में बहुत ही नेचुरल तरीके से कनेक्शंस बन जाते हैं। ऑल दो उनके काम करने का डिपार्टमेंट अलग हो, डेजिग्नेशन अलग हो, बट साथ में रहते रहते एक ऑफिस में वर्क करते करते वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। कई बार फ्रेंड बनने के बाद पता चलता है कि हाँ भाई कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, कोई लीगल डिपार्टमेंट में है, कोई पेरोल टीम में है। और कई बार ये जो इनफॉर्मल ग्रुपिंग हो जाती है इनका इफेक्ट देखने को मिलता है पर्सन की परफॉर्मेंस पे। दैट इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव आल्सो। जो अगली ओबी की थ्योरी जिसके बारे में बात करने वाले वो है हमारी फाइव बेसिस ऑफ पावर थ्योरी। बेसिकली फ्रेंच और रेविन ने इन थ्योरी को दी थी। आइए जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं लेजिटिमेट पावर। दोज विद लेजिटिमेट पावर होल्ड ऑफिशियल टाइटल्स एज ए टीम लीडर, मैनेजर्स और द एग्जीक्यूटिव। बहुत ही क्लियर है लेजिटिमेट पावर मतलब वो पर्सन जो सीनियर पर्सन है, जो एक टाइटल एक पोजिशन होल्ड करते हैं। दे कैन बी ए मैनेजर और एग्जीक्यूटिव और ए टीम लीडर ऑल्सो। सेकेंड बेस ऑफ पावर आते हैं हमारी रिवॉर्ड पावर। इंडिविजुअल बिल्ड दिस पावर बाई रिवॉर्डिंग अदर्स फॉर मीटिंग एक्सपेक्टेशन, वेदर थ्रू बोनसेस, प्रमोशन और रिकॉग्निशन दैट मोटिवेट देयर परफॉर्मेंस। रिवॉर्ड में बहुत पावर होती है। अगर कोई पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, अपना टाइम अपना एफर्ट सब कुछ लगा रहा, एंड उसे उस चीज़ का रिवॉर्ड ना मिले तो वो डिमोटिवेट फील करेगा एंड उसका परफॉर्मेंस लेवल भी गिरेगा। बट जब उसे उसके काम के हिसाब से अगर उसने जो एक्सपेक्टेशन है अगर उसे मीट किया है एंड उसके बाद अगर उसे रिकॉग्निशन मिलता है, बोनस मिलता है या फिर प्रमोशन मिलता है विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, देन दे फील मोटिवेटेड एंड दैट कैन बी सीन इन देयर परफॉर्मेंस ऑल्सो। थर्ड आती है एक्सपर्ट पावर। SME दैट इज द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। हर सब्जेक्ट के एक अलग एक्सपर्ट होते हैं जिनके पास एक स्पेशलाइज नॉलेज और एक स्किल होता है, जिनके पास प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन होती है और लर्निंग्स होती है कि हाँ अगर कोई प्रॉब्लम ऑर्गेनाइज हो रहा है तो कैसे उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। नॉट एवरी पीपल कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, बट येस देर आर द पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन डेट आर एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर केस टू सॉल्व एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। फोर्थ आती है रेफरेंट पावर, जो बेसिकली डिराइव्ड हुई है रिलेशनल स्किल से। ये कहती है कि रेफरेंट पावर बिलोंग टू वेल लाइक एंड रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स। दे ब्रिज द गैप, फॉस्टर द कोलेबोरेशन एंड बिल्ड द ट्रस्ट। बेसिकली पीपल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अच्छे से वर्क करते हैं, जिससे कि वो बीच का गैप जो है उसमें वो एक ब्रिज के जैसा वर्क करते हैं, कोलेबोरेट करते हैं एंड वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं जहाँ पे ये सब मिलकर एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकें। पांचवे टाइप की पावर थ्योरी जो है वो आती है हमारी कोएरेसिव पावर। कोएरेसिव पावर बेसिकली इमोशनल मैनिपुलेशन से आती है। इट कैन बी थ्रू इवन अ पनिशमेंट। दो जो विल्ड इट
कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर थ्रू फियर और कंसिक्वेंसेस। कोरेसी पावर मतलब द पावर टू इन्फ्लुएंस द पीपल थ्रू देयर बिहेवियर। इट कैन बी आइदर बाई शोइंग देम द कंसिक्वेंस और बाई मेकिंग देम इन द फियर। हमारी जो नेक्स्ट ओबी की थ्योरी है वो है हमारी ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट थ्योरी। दीज स्टडीज बेसिकली एक्सप्लोर हाउ द सोशल इंटरेक्शन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड मैनेजर इम्पैक्ट द बिजनेस सक्सेस। सिंस इसका नाम ह्यूमन रिलेशन है तो जाहिर सी बात है ये ह्यूमन के रिलेशंस पे ही बात करेंगी। ह्यूमन रिलेशन बेसिकली काम करने वाले ऑफिस में अपने कलीग में तो वो अच्छे रिलेशन बना लेते हैं, लेकिन सिंस यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट लिखा गया है तो यहाँ पे बेसिकली ये सोशल इंटरेक्शन की बात कर रही है इम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में। क्योंकि अगर उनके बीच का सोशल इंटरेक्शन, अगर उनके बीच का रिलेशन अगर अच्छा रहेगा तो वो एक बिजनेस के सक्सेस में हेल्प करता है। इसके बारे में भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है फ्रेंड, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके रिडायरेक्ट हो सकते हैं। अगली जो हमारी थ्योरी आती है वो आती है हमारी प्रोसेस मैनेजमेंट थ्योरी, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी कहते हैं। हेनरी फेवल ने इस थ्योरी को दिया था। नेक्स्ट आती है हमारी एक्स एंड वाई मैनेजमेंट थ्योरी, इसे डगलस एम सी ग्रॉजर ने दिया था बिटवीन हिज स्टडीज एंड फाइंडिंग इन 1950 एंड 1960। इन दोनों के बारे में भी डिटेल वीडियो फ्रेंड आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके रिडायरेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनी अदर वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।